हांसी शहर में बढ़ती चोरियों के विरोध में भगत सिंह रोड मार्केट के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए मार्केट को बंद रखा। मोबाइल एसोसिएशन के बैनर तले आक्रोशित दुकानदारों ने मार्केट में आपराधिक वारदातें बढ़ने के विरोध में नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही डीएसपी राजबीर सिंह मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को मनाया। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले भगत सिंह रोड पर स्थित विक्की मोबाइल गैलरी में चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। चोर दुकान का शटर उखाड़कर लाखों रुपए के मोबाइल से हाथ साफ कर गए थे। इसके अलावा भी शहर में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके विरोध में दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मार्केट बंद का आह्वान किया था। जिला पुलिस ने 2 दिनों में चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई। दुकानदारों में पुलिस प्रशासन के प्रति काफी गुस्सा है और बुधवार को पूरी मार्केट बंद कर धरने पर बैठ गए। दिन में करीब 1 बजे तक मार्केट बंद रही। इसके बाद डीएसपी राजबीर मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को 15 दिनों के अंदर चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मार्केट में पुलिस के सुरक्षा इंतजामों को भी बढ़ाया जाएगा। मार्केट बंद करने का मेन विषय 20 तारीख को चोरी हुई थी हाथ में विक्की मोबाइल पे, जहाँ से 8 लाख की चोरी हुई है। हमने 5-6 दिन पूरा शांतिपूर्वक इंतजार किया। हर रोज 3 टाइम साइबर SP ऑफिस और जहाँ जहाँ बताया गया गए, हमसे कहीं से भी कुछ वो आउटपुट नहीं निकल रहा। वीडियो फुटेज हमने कलेक्ट करके दी है, मोबाइल एक्टिवेट हो गई है, हमने बताया। अब हमारा धैर्य टूट चुका है। अब इसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है, आज ये बाजार बढ़वाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट, और हांसी के तमाम व्यापारिक संगठन है उनको यहाँ पे बुलाया कि क्या किया जाए आगे। अगर हमारे हिसाब से आज कुछ आगे नहीं निकलता हल, तो हमारी मंशा की सभी व्यापारिक संगठनों से, प्रधानों से और पूरे शहर के व्यापारियों से एक निवेदन है कि 1 या 2 दिन के बाद पूरा हांसी शहर बंद किया जाए। वो जैसे भी यहाँ पे मौजूद हमारे व्यापारिक संगठनों के प्रधान है, जो भी फैसला लेंगे उसी हिसाब से हम करेंगे। एक बार ज्ञापन सभी को सौंपते हैं। जैसे और एक चीज़ बता रहा हूँ, आज सुबह से ही है ना, बार बार दबाव बढ़ाया जा रहा है। सुबह भी एक CID का अधिकारी था, उन्होंने बोला कि अब तक तो चलो एक बार मेरे कहने से साइबर चलो वहाँ पे चलो। हमने 10-20 मिनट एक बात बोली कि हमारे व्यापारी साथी आएंगे, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे। वो लज्जा नहीं था कोई भी, अभी चलते हो तो चलो, नहीं तो फिर तुम जानो, तुम देखो। अब भी जैसे एक अधिकारी साहब आए, वो कोई ट्रैकिंग वे नहीं था। चोरी भी हमें हुआ, नुकसान भी हमें हुआ, और ना चोरियाँ रुक रही है हर शहर में। अब हमारी नीति यही है, जितनी चोरियाँ हुई है अब लिस्ट बनवाएंगे, हर एसोसिएशन को इकट्ठा करेंगे, जिस भी तरीके से स्ट्रॉन्ग, चाहे 2 दिन का, 4 दिन, 5 दिन बाजार बढ़ाना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, एक स्ट्रॉन्ग तरीके का डिसीजन लेंगे। प्रशासन ये क्या कर रहा है कि प्यार से तो ठीक है कर रहे हैं, अगर आवाज़ उठाते हैं तो धमकियाँ दे रहा है। अब तक हम ये नहीं चाह रहे थे कहीं पे वो पर्टिकुलर किसी को निशाना बनाना, अब भी मकसद नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, 2 व्यापारी भाइयों का, 3-4 बंदे और थे उनके साथ, पूरा व्यापार वो हो गया, ध्वस्त हो गया। अब तक कहीं पे ये रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। 4 दिन पहले मोबाइल एक्टिवेट हो चुके हैं, क्यों नहीं ट्रेस हो रही? देखो एक बार हमारा सांकेतिक आज है, अभी सभी व्यापारिक संगठन यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। अब एक राय मशवरा होगा कि किस रूपरेखा में लेके जाना है, आक्रोशित धरना बढ़ाना है या क्या करना है, या कहीं पे रोड जाम करना, क्या करना, वो सभी मिलजुल के फैसला लेंगे। हम ये मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से यही अपील कर रहे हैं, हमारी ये विचारधारा है। बाकी सभी संगठन, दोनों व्यापार मंडल हो गए और जितनी भी एसोसिएशन है, मिल के वो संयुक्त रूप से एक फैसला लेंगी। सभी मार्केटों के प्रधान यहाँ पे लगभग आए हुए हैं और एक कंबाइंड फैसला लिया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई वो होगी जी। ठीक है, अभी तक कोई हमें को वो ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि एक्टिवेट हो चुकी है। बार बार यही कह रहे कि वहाँ पे चलो, अब तक कोई ठोस कार्रवाई का ये नहीं मिला है कि ये हो जाएगा। ये हो चुका है, आपके 2 मोबाइल ट्रेस हो चुके हैं, लोगों से ट्रेस, कोई वो नहीं मिला है। 11 मोबाइल 3 दिन पहले से एक्टिवेट हो चुके हैं, फिर भी वो कुछ नहीं है। घर से मोबाइल व्यापारियों में, भगत सिंह रोड के व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष है। जैसे अभी अशोक बता रहा था कि चोरी भी और ऊपर से पुलिस प्रशासन के द्वारा सीनाजोरी भी। अगर पुलिस प्रशासन इस टाइप की सीनाजोरी करेगा तो हांसी का व्यापारी सक्षम है पुलिस के साथ दो हाथ करने के लिए भी तैयार, और ईट से ईट बजाने के लिए भी तैयार। अभी तक महात्मा गांधी वाली नीति पर ही हांसी का व्यापारी चला हुआ है। अगर ये प्रशासन ये चाहता कि नहीं, हम ये महात्मा गांधी वाला पर्याय छोड़ दें, ठीक है, भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं, पुलिस वाले जो मर्जी कर लें,
क्या किया अभी तक? 48 घंटे का समय डीएसपी जब इस मार्केट में आकर के देखे गया और आज 8 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन तो ये बात नहीं ढूंढ पाया, उल्टा ये व्यापारी ये बात बता रहे हैं कि 65 में से 11 फोन एक्टिवेट हो चुके और पुलिस के पास आज कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं मामला क्या है। सब भ्रष्टाचार है ऊपर से लेके नीचे तक। 2.5 लाख रुपए की किताब वाले की दुकान पे चोरी हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। उमरा गेट के ऊपर व्यापारी का शटर तोड़ने का प्रयास होकर के चोरी करने का हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ। और आप पुराने बस स्टैंड के ऊपर पेंट की दुकान पे हुआ, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो एक हांसी में जो बहका वातावरण है, अगर ज़रूरत पड़ी तो सभी व्यापारिक संगठनों की एक आपात बैठक बुला करके और हंगामी निर्णय लिया जाएगा। बेशक उसके अंदर चाहे हांसी बंद करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद।